आप सबने पिछले वीडियो उसको देखा होगा, डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और सेकेंड डेरिवेशन कर लेते हैं आज, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो ये फिक्स क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अभी हम डिराइव करेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सप्लेनेशन सभी सेम है बच्चों, जो पहले वीडियो में दिया है वही होगा, डिटोरिक वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन करेगा। ठीक है, तो ये बाकी सब सेम है, ग्राफ से जो जो हमने क्लियरली लिख लिया है वही है, एंड ग्राफ भी वही है बच्चों, कंस्ट्रक्शन भी जो भी हमने किया था वही है। पर यहाँ पर जो हम की पॉइंट ले रहे थे, जो फंडा ले रहे थे, वो अलग है। वो कैसे अलग है? देखो, आपको याद होगा जब हमने बीटी ग्राफ सीख रहे थे हम, तब मैंने एक डेरिवेशन किया था कि द एरिया अंडर बीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो वो फंडा इधर लगा रहे थे कि क्या है वो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या है वो, एरिया अंडर बीटी ग्राफ। ठीक है, तो ये फंडा लगेगा। पिछले वीडियो में v इक्वल टू v नॉट प्लस at में कौन सा फंडा लग रहा था? द स्लोप ऑफ द बीटी ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। यहां पे लगेगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर बीटी ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट यानी हमने इधर लिया है x, x इज इक्वल टू क्या बनेगा, एरिया अंडर हाँ, एरिया किस किस का अंडर आएगा, बीटी ग्राफ के लिए होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो या फिर दो ज्योमेट्रिक फिगर बनेंगे, एक बनेगा, इसको तीता हटा देते हैं अभी। ठीक है, तो एक बनेगा ए एरिया। ठीक है, वन विल बी दिस एरिया एंड द अदर वन विल बी द एरिया ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल फिगर। तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर के नाम होंगे, हाँ होंगे, कौन कौन से? एक बनेगा ट्राइंगल और एक बनेगा रेक्टैंगल। सिंपल सी बात, देखो आप ट्रेपेजियम का भी ले सकते हो फॉर्मूला। ठीक है, मैं वैसे नहीं करूँगी, मैं सिंपल बनाऊंगी इसको, क्योंकि ट्रेपेजियम का फिर फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। तो क्यों डाइवर्ट करें, कि अपने दिमाग को टेंशन दे। ठीक है, आसान कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल लेते हैं बच्चों प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर लेते। ठीक है, तो एरिया ऑफ पहले कौन सा लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर देते हैं इस ग्राफ से। ठीक है, तो फिर तो x इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा है रेक्टेंगल, ये है, सो ओ एरिया ऑफ O A C D plus area of triangle A B C। चलो हमको मालूम है area of rectangle कौन सा है, क्या है, length into breadth, क्या है, length into breadth है। और area of triangle का क्या है बच्चों, half base into हाफ बेस इंटू हाफ। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू, हाँ इसका लेंथ कौन सा बनेगा, रेक्टेंगल, ये देखो ये रेक्टेंगल है। ठीक है, इसका लेंथ है ओपे और ब्रेथ है ओडी। तो इधर लिखेंगे लेंथ है ओपे और ब्रेथ है ओडी प्लस हाफ। ट्राइंगल के पास आना, ट्राइंगल ए बी सी, हाँ ट्राइंगल बेस कौन सा है बच्चों, एसी है, और हाइट कौन सा है, बीसी है, इनटू बी क्या है,
वी नॉट मिला, हाफ में मिला है, ये नहीं मिला, इस पर नहीं मिला, तो उसके लिए जुड़ा डालना पड़ेगा। तो इसको रीअरेंज करते हैं, x इक्वल टू वी नॉट t प्लस हाफ। चलो t को अंदर में रखते हैं, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा क्या? एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, तो हमारे पास v माइनस v नॉट का कुछ वैल्यू होगा बच्चों? वैल्यू होगा कि नहीं? यही फंडा लगेगा इसमें भी, और कुछ हद तक ये सेम ही होगा।
यहाँ तक ये तो स्टेप सब जानते हैं। सेकेंड डेरिवेशन का ही है, कर दो यहाँ तक लिख लो। थर्ड डेरिवेशन अगले पेज में फिर से लिखना है, लिख लिया, शुरू करते हैं फिर। हाँ यहाँ तक तो आपको पता चल गया कैसे आ रहे हैं सभी स्टेप्स। अच्छा अभी हमको क्या करना है, जो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2 है ना, इससे इसको हटाना है तो क्या करेंगे, अब आप इक्वेशन हम लेते हैं 1 मल्टीप्लाई, थर्ड डेरिवेशन है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 नंबर 2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो ये बनेगा 2x इक्वल टू ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ पी नॉट प्लस 2 बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या v माइनस v नॉट इन टू ए, ठीक है। अच्छा 2x को ऐसे रखना, इसको भी ऐसे रखना, अब ये t है ना, ये प्लस है तो t को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बनेगा v t प्लस इनटू माइनस माइनस v नॉट इन टू ए, समझ में आया स्टेप। Thank you.
इसको मैं रीअरेंज करूंगी ऐसे v प्लस v नॉट कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इसको v प्लस v नॉट कर देते हैं। हाँ चलो लेते हैं कैसे आता है। ये a है, ये b, ये a है, ये b, या माइनस है या प्लस, ठीक है। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय, तो अब तो आसान है, एक उधर भेज दो तो ये बनेगा क्या, v नॉट स्क्वायर माइनस, इसको पहले लिख लो, इज इक्वल टू 2ax, ठीक है। तो ये है अपना डेरिवेशन, हेंस द प्रूफ। समझ में आया? पहले वो जो एक्सप्लेनेशन था वो लिखना, बाद में ये लिखना, बाद में ये सभी, देन गो फॉर दैट स्टेप। सिंपल है, याद रख तो पता है सेकंड डेरिवेशन का ही पार्ट है, बाकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टू, देन माइनस होगा, इधर टी को कॉमन लिया, ठीक है। तो टी का एक्सप्रेशन डाल देते हैं इस इक्वेशन का हेल्प लेकर, तो ये फॉर्मूला इधर लग गया, बस हो गया। तो हमने तीनों डेरिवेशंस डिराइव किए हैं, इनको आपको डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियोस देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, तो अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। सो नया टॉपिक होगा रिलेटिव वेलोसिटी, तो लास्ट एक टॉपिक बना बचा है बच्चों।